चैनल आज हम बनाने जा रहे हैं गणपति पापा का फेवरेट मोदक। एक कटोरी चावल लेंगे और इसे अच्छे से धो के भिगो लेंगे। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैंने इसे फ्राई कर लिया है और इसे दरदरा पीस लेंगे। नारियल को छील के इसे कद्दूकस कर लेंगे। जिस कटोरी से मैंने चावल लिया था उसी कटोरी से एक कटोरी नारियल लेंगे। कद्दूकस करके मैंने इसे माप लिया था। इसे ग्राइंडर में पीस लेंगे। चावल का सारा पानी निकाल देंगे और थोड़ा सा पानी डाल के हम चावल को भी अच्छे से पीस लेंगे। अब हम कढ़ाई में दो कटोरी दूध लेंगे। इसमें दो चम्मच घी डालेंगे और जब इसमें उबाल आ जाए तो एक कटोरी चीनी लेंगे और इसे गलने तक पका लेंगे। जब चीनी गल जाए तो इसमें चावल ऐड करेंगे पिसा हुआ, इसे भी चला लेंगे। पिसा हुआ नारियल डालेंगे और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक ये कढ़ाई न छोड़ने लगे। गैस का फ्लेम एकदम लो रखें। अब इसमें दो चम्मच घी डाल दें, अगर आपको नहीं डालना है तो भी चलेगा, बस इसे चलाते रहें जब तक ये कढ़ाई ना छोड़ दे। ये देखिए कढ़ाई छोड़ने लगा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई इलायची और गैस को बंद करके इसे ढक के थोड़ी देर के लिए रख देंगे जब तक ये ठंडा ना हो जाए। ये देखिए ये ठंडा हो चुका है। अब हाथ में थोड़ा सा घी लगा के इसे मसल लेंगे और जो हमने ड्राई फ्रूट्स को दरदरा पीसा था उसे ले लेंगे और इसमें थोड़ा सा दो चम्मच ये डाल के इसे अच्छे से मिला लेंगे और छोटी छोटी गोलियाँ बना लेंगे। अब हाथ में घी लगा के इसे थोड़ा थोड़ा लेके गोल गोल करके बीच में एक गोलियाँ रखेंगे और इसे मोदक का शेप दे देंगे। एक चम्मच से आप इस तरह कर दें तो ये एकदम मोदक के शेप में। थोड़ा सा मैंने येलो कलर का बनाया है, येलो कलर का फूड कलर मिला के अच्छे से मिला लिया है, फिर इसे मोदक का शेप दे दिया है। इसी तरह मैंने सारा बना लिया है। और थोड़ा सा मैंने ऑरेंज कलर का भी बनाया है। आया देखो आया बप्पा मोरिया गणपति बप्पा।